नमस्कार, स्वागत बारे वालों के न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव में। अभी एगो ऐसा खबर बिहार के राजनीति से न्यूज बिहार तक पहुंचल है, जौन सुन के और देख के रुआ लोग भी दांत तो अंगूरी जरूर रख ले। खबर निश्चित बा कि आज के समय में सबसे हॉट टॉपिक राजनीति से बढ़ू है। संभावना एक बार फिर से प्रबल हो गई बाय फोटो के देखला के बाद कि राजद और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बड़ा झटका लगे वाला बड़ू है। ये बड़ा झटका देवे वाला दू गो दोनों गठबंधन के मुख्य दल बड़े। रुआ याद हुई कि एकरा लगातार हमनी के बात पर चर्चा करते हैं या कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ चले वाला कदम से कदम मिला के जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के पार्टी पिछले कुछ समय से काफ़ी उखड़ल उखड़ल बढ़ुए, अलग से तैयारी हो रहा बढ़ुए और एनडीए के सामूहिक तैयारी जरा सा भी नज़र नहीं खाओत। वह स्थिति महागठबंधन में बढ़ुए कि राजद अपन तैयारी करता, कांग्रेस अपन तैयारी करते हुए सामूहिक रूप से कोनो तैयारी नज़र नहीं खाओत। 2019 के चुनाव के बिगुल फुका गई बढ़ुए, रणभेरी भी फुका गई बढ़ुए और यह बीच में जो घटनाक्रम भेल वो घटनाक्रम दोनों पार्टी के यानी दोनों गठबंधन के कहीं ना कहीं डैमेज करे वाला जरूर बढ़ गया। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखल जाओ तो बिहार में दोनों गठबंधन बहुत मजबूत बाड़े, एनडीए भी और महागठबंधन भी। एनडीए के जहाँ लीड करता भारतीय जनता पार्टी, वहीजा महागठबंधन के लीड करे वाला बाड़े राजद। राजद के सबसे मजबूत साथी बाड़े कांग्रेस और एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत साथी जदयू बाड़े। चूँकि चुनाव से अभी 5 राज्य के खत्म भइल है, परिणाम भी आ गई और परिणाम में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा झटका लागल। वो झटका के बाद से चुनाव परिणाम आवे के एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा अपना के एनडीए से अलग कर लेले। उनका कहनाम रहे कि जदयू के कारण ऊपर अपना के उपेक्षित और प्रताड़ित महसूस करता रहे। सीधा सीधे वो जदयू पर हमला कैले रहन भारतीय जनता पार्टी। 2 महीना पहले नीतीश कुमार के साथ और भारतीय जनता पार्टी के जौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े अमित शाह, दोनों आदमी बैठ के ये बात तय कैले रहलो कि हमनी के एनडीए में बिहार खाती आधा आधा सीट पर चुनाव लड़ब जा, शेष सीट जौन बानी तो बाटी बाँची तो अपना घटक दल के देब जा। 16 या 17 सीट दोनों आदमी आपस में बंटवारा कैले रहलो, लेकिन वो सीट के शेयरिंग के जौन फॉर्मूला दोनों आदमी बैठ के तय कैले रहलो वो आज तक ले साफ ना भइल। इस बीच में एगो उनकर घटक दल के साथी अलग भी हो गई ले। इन्हें भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी स्वर उठ रहा बढ़ुए और विपक्ष के भी कहना बढ़ुए कि जदयू आपन तैयारी अलग से कर रहा बढ़ुए, वो संतुष्ट नहीं खे भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ एनडीए से। ये बात कहाँ तक ले सही बढ़ुए, कहाँ तक ले साँच बढ़ुए, ये तो रुआ लोग देख रहा बानी रोज नया नया गतिविधि और नया नया अपडेट से। छात्र संघ चुनाव में भी देखने रुआ कि भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से डोमिनेट कैलस जदयू। प्रशांत किशोर जे मुख्य नीति के निर्धारण करता वो नीतीश कुमार के जगह पर बैठ के बैठिए के ना उनका खुद आवास से पूरा राजनीति के चक्रव्यूह रचता। वो चक्रव्यूह रचना में कहीं ना कहीं यह बात के नज़र आ रहा बढ़ुए कि वो पूरी तरह से यह बात खातिर तैयार बनान कि अब की हाली गेंद यह पार चाहे वह पार, कैसे हूँ बिहार में अधिक से अधिक सीट प्राप्त करे के उनका लक्ष्य। वो खाती वो हर तरह के प्रयास करता रहन, चाहे वो जायज समझी या नाजायज समझी, राजनीति में कुछ भी जायज नाजायज ना होके, जैसन कि परसेप्शन आ रहा बढ़ुए। बहुत दल के लोग से उनकर मुलाकात भइल जौन रुआ लोग के समय समय पर हमने के बतैन जा, लेकिन अभी जौन बता रहा बनी जौन फोटो के माध्यम से तस्वीर के माध्यम से हम लगाए बढ़ुए वो एकदम बिहार के राजनीति में अलग तरह के एगो माहौल पैदा करे वाला बढ़ुए कि कांग्रेस और जदयू के नज़दीकी बढ़ गई बढ़ुए और प्रशांत किशोर एकर सूत्रधार बनल बड़े। एगो तस्वीर हमने लगाए बढ़ुए, हालांकि तस्वीर कभी झूठ ना बोले, इहो बात रुआ पक्का समझता नहीं। तस्वीर में कहीं से कोई कट पेस्ट नहीं खे और पूरा पूरा तस्वीर बढ़ुए दोनों आदमी के एक साथ बैठ के और चर्चा परिचर्चा करत। चर्चा परिचर्चा में प्रशांत किशोर बाड़े और बिहार
के जौन अध्यक्ष वाले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मदन मोहन झा, वो दोनों आदमी गुफ्तगु करत भेटाइल वालों। इस तस्वीर से एक बार फिर से बिहार के राजनीति में जदयू और कांग्रेस के दोस्ती के कयास लगाओ जा रहा बड़ू है, और ये भी लगाओ जा रहा बड़ू है कि आवे वाला समय 2019 के चुनाव में जदयू और कांग्रेस तीसरा मोर्चा के लेके आगे बढ़ी लोग, और एकरा में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं ड्राइविंग सीट पर रही हैं। उनका ड्राइविंग सीट पर रहे में बहुत नीमा लगेला और हमेशा चाह ले कि वो बिहार के राजनीति में सबसे ऊंच श्रेणी, ऊंच कोटि और ऊंच कुर्सी पर बैठोस। भारतीय जनता पार्टी से भी उनका लड़ाई यही बात के बड़ू है कि बड़ा भाई के छोटा भाई के का कांग्रेस उनका के बिहार में बड़ा भाई के दर्जा देवे के तैयार बड़ू है, या फिर एक बार नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बने के ख्वाब अंदर से फूट गई बड़ू है। प्रशांत किशोर उनका के फिर से प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठावे खातिर पूरा तैयारी कर रहा बड़े, का ये बात बिल्कुल सच बड़ू है? वो तो वक्त बताई, समय बताई, लेकिन यह मुलाकात से, तस्वीर के माध्यम से जो देखनी, यह तस्वीर में जो नज़र आ रहा बड़ू है वो बहुत कुछ कहत रु है। अब इस सचेत भारतीय जनता पार्टी के होके के बड़ू है, उपेंद्र कुशवाहा के होके के बा, या महागठबंधन के सबसे बड़ घटक दल राजद के तेजस्वी यादव के होके के बड़ू है, लालू प्रसाद के होके के बा, या और भी जो घटक दल वालों शरद यादव बाणन, जीतन राम मांझी बाण, वो लोग खाते होके हुआ। फिर कोनो खबर लेकर वो लोग के सामने हाजिर होगा, तब तक खाती गोर लागत नहीं। फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।